हरियाणा भाजपा ने तीसरी बार जीत हासिल कर हरियाणा के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। ना यहाँ विरोधी लहर चली, ना किसानी आंदोलन का असर देखने को मिला, और यही नहीं बड़े बड़े विश्लेषकों के आंकड़े भी रखे ही रह गए। और अब इस सियासत के गलियारों में नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर की सफलता मानी जाएगी। अब 2024 में फिर से भाजपा एक बार फिर सरकार बनाकर इतिहास बनाने जा रही है। हालांकि सीएम सैनी ने मतगणना से पहले ही सरकार बनाने का दावा किया था। अब सीएम सैनी का वो दावा शाम तक स्पष्ट हो गया है। प्रदेश में नायब सिंह सैनी सीएम बनने जा रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि नायब सिंह सैनी के 6 महीने के कार्यकाल ने प्रदेश की जनता को प्रभावित किया है। वहीं हरियाणा के क्षेत्रीय दल इनेलो की बात कहें तो अभय चौटाला अपनी सीट हार चुके हैं और उनके बेटे अर्जुन चौटाला रानिया से सीट निकालने में कामयाब हुए हैं। वहीं जजपा जो 2019 चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन सरकार बनाकर सत्ता में आई थी, अब इस चुनाव में खाली हाथ नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी थी, वह हरियाणा में एक भी सीट निकालने में कामयाब नहीं हुई। दूसरी तरफ चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस भी कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में हार की कगार पर है। चुनावों के दौरान यह देखने को मिला था कि विरोधी लहर नाम से कांग्रेस पार्टी भाजपा को कम आंक रही थी, और बार बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यह कहते सुनाई देते रहे कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। लेकिन इन नतीजों से बड़े बड़े विश्लेषकों सियासतदारों को चौंका दिया है। जी हां, भाजपा नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में फिर सरकार बनाने के लिए तैयार दिख रही है। लाडवा की जनता का, लाडवा की सम्मानित लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो आशीर्वाद जो प्यार दिया है, मैं उसके लिए लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कोहाड़ा की जलेबी, कोहाड़ा की जलेबी की फैक्ट्री, ये मैं बात अलग से करूँगा।